नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत सोमवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सामने हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को जिलाधिकारी से मुलाकात करके बिना सूचना के अतिक्रमण हटाए जाने की शिकायत की तथा अतिक्रमण हटाए जाने के लिए समय मांगा, जिस पर जिलाधिकारी ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिंह एवं अरुण बंका ने कहा कि अतिक्रमण हटाए जाने के संदर्भ में जिलाधिकारी से मुलाकात किया गया, लेकिन जिलाधिकारी ने हम लोगों की मांग को अनदेखा कर दिया। उन्होंने बताया, धरना में बैठने क्या करने वाले भाई, आज से मैं मैंडेट कर दूंगा तो उसमें 90% दुकान बंद हो जाएगा। धरना हम लोग इसलिए नहीं कि आप हटा रहे हैं सर, केवल उस चीज का था कि हम लोग सपोर्ट मत करो यार सर। दो घंटे पहले मैं कोई तो दुकान चलवा रहा है सरकारी शौचालय में, ये क्या तरीका है? तुम लोग साथ दे रहे हो उसके लिए तो आए हो सर, क्या हमसे सूत्र दे के गए क्या शौचालय पे दुकान खोलने के लिए? शौचालय पे दुकान खोलोगे तुम जाके, हम लोग तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे? आज तक कभी उसके लिए जाम नहीं लगा सर, आज 40 सालों से 40 साल से सूचना अगर 2-3 घंटे पहले सूचना नहीं मिलेगा, आज खाली करो, सूचना मिल गया ना कल, नहीं तो सर आज खाली करो, आगे सूचना इसलिए नहीं हटाया जा रहा हम लोग, लेकिन सर उसके बाद जैसे जो हटा रहे उसको भी हटा दिया, बहुत हो गया दिल्ली का तार काट दिया, 2 साल से चल रहा है प्रश्न, ऐसे नहीं है, सूचना सबको है ना। बीआरडी रोड तो हमको क्या ग्रीन कार्ड और करेंगे, सुनो पहले, बीआरडी में एक भी ठेला पार्किंग कुछ नहीं अलग है, तुम्हारा परिवार में कोई इमरजेंसी में जाएंगे तो उन लोगों भी है, रोड तो हमारे ग्रीन कार्ड रहेगा, कोई ठेला वाले कोई नहीं बाहर निकले, एकदम होना साफ हो रहा, साफ होते रहे, ठीक है, सूचना हम लोगों को दे दिया, सूचना कुछ नहीं मिले, इलीगल तो खुद हट जाओ, है ना सर, कोई सूचना नहीं मिले, गलत करने वाले को कोई सूचना नहीं देंगे। ये मांग था कि जो अधिकारी कल जबरदस्ती किए थे जिस तरह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, हमारे जो दुकानदार वहाँ पे कह रहे थे कि हमको कम से कम 2 घंटे का समय दे दिए, हम निकाल देते हैं अपना सब हटा देते हैं, वो उनको कुछ समय नहीं दिया गया, जबरदस्ती तोड़ दिया गया, तो हम लोग मांग कर रहे थे कम से कम उस अधिकारियों को कुछ तो वो सिखाना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, अभी बहुत जगह जो है अतिक्रमण हटेगा वहाँ भी इस तरीके से करेंगे, तो ये ज्यादती हो जा रही है ना दुकानदारों के साथ, कोई पटर भाई, हम लोग शिक्षित समाज के एक व्यापारी वर्ग हैं, हम लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीएम साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया हम लोग को, कहा नहीं हम लोग जो गलत है हम गलत कर कोई वो नहीं करेंगे, जबकि ऐसा कोई नहीं, हम तो गलत थे, पिछले 40 साल से वहाँ दुकानें थी, वो 3 सेट जिसको उन लोगों ने कल तोड़ा जिस तरीके से, उसकी वजह से आज तक कभी जाम नहीं लगा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। अरुण बंका, अंदर जा करके तोड़ना बिना किसी सूचना के, ये आहत का विषय है, हम व्यापारी हैं, हमको पहले सूचित किया जाता, हम उसको समझ करके उसको हटा लेते, हमारी और कोई मांग नहीं है, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उदंडता की जाए उसका हमको दुख है, और वही दुख अपना कहने आए थे जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों की बात नहीं सुनी, धन्यवाद। आप चाहते हैं कि जो भी अगर हटाया जाए तो उसकी पहले सूचना दे दी जाए और उसको तब फिर कोई नोटिस नहीं दी गई, कोई सूचना नहीं दी, हाँ हर जगह अचानक अचानक पहुंचे, बस इतनी ही सी मांग है।